पेंशन मिलने में देरी होने पर हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच बड़क उठा है। मंच के कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन व सरकार के प्रति गहरा रोष जताया है। पेंशन में देरी होने से पेंशनरों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। इस संदर्भ में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पेंशन व अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान हेतु गंभीरता से चर्चा हुई। पेंशन मिलने में देरी होने पर हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच भड़क उठा। मंच के कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन व सरकार के प्रति गहरा रोष जताया। पेंशन में देरी होने से पेंशनरों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। इस संदर्भ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशन व अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान हेतु गंभीरता से चर्चा हुई। निगम के पेंशनरों की चिरकाल से लंबित मांगों को सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा स्थायी समाधान नहीं किए जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला हमीरपुर के अध्यक्ष अजमेर चंद ठाकुर ने कहा कि 27% महंगाई भत्ता, 8% अंतरिम राहत भत्ते का भुगतान वर्ष 2016 से लिव इन कैशमेंट, जुलाई 2017 से ग्रेजुटी व संशोधित पेंशन का एरियर आदि व मुख्य मांगों का राज्य सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा सकारात्मक कार्यवाही न करने पर पेंशनरों ने आक्रोश जताया। आज हमारी हमीरपुर इकाई की परिवहन सेवा कर्मचारी कल्याण मंच की वार्षिक बैठक हो रही है, और इस बैठक में जो हम पेंशन के स्थायी समाधान के बारे में चर्चा करेंगे, और हमारी जो 15 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक नालागढ़ में होनी निश्चित हुई है, उसके बारे में सभी कार्यकर्ताओं को सदस्यों को बताएंगे कि जैसा कि हमारी दिसंबर माह की पेंशन जो है वो कई जगह तो 13 तारीख को पड़ गई है, और कई जगह जो है 27 तारीख को पड़ी, कई जगह कई ब्रांचों में जो है 4 तारीख को, फरवरी के 4 तारीख को पेंशन पड़ी। तो इससे कर्मचारियों में, सेवानिवृत्त कर्मचारियों में जो है गहरा रोष प्रकट किया है कि पेंशन जैसे हमारी हर माह की 7-8 तारीख को पड़ जाती थी, हमारी पेंशन जो है हर माह 7 तारीख से पहले पड़नी चाहिए ताकि कर्मचारियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी कारण जो है प्रदेश कार्यकारिणी की 4 मासिक बैठक जो है, 4 माह की जो बैठक होती है वो नालागढ़ में 15 तारीख को तय की है। उस बैठक से इस बारे में पेंशन के स्थायी समाधान के बारे में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। अगर सरकार फिर भी नहीं हमारी पेंशन का स्थायी समाधान मंच द्वारा नहीं करती है या हमारी सुनवाई नहीं करती है, आश्वासन देती है, तो इसके बारे में ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे, और जिसकी जिम्मेदारी है सारी सरकार व प्रबंधन की होगी। बाकी जैसा कि 2015 से लेकर हमारा पेंशनरों का डीए का भुगतान जो है, हमारा बकाया राशि का भुगतान है वो अभी तक नहीं हुआ है। 27% जो हमारा डीए है उसका हमें भुगतान नहीं हुआ, तो हम सरकार से इस मत से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे डीए के एरियर का भुगतान किया जाए, और जैसा कि 75-75 वर्ष पूरी कर चुके आयु के जो कर्मचारी हैं उन्हें 10% और 15% की जो वृद्धि 5-10-15 की सरकारी कर्मचारियों को दी गई है, वैसे हमारे कर्मचारियों को भी देने की कृपा करें ताकि बुढ़ापे में हमारे कर्मचारी जो है अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकें।